तो वही केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। 116 अस्पताल में है, जबकि 220 से ज्यादा लोगों के लापता होने की भी खबर है। ये लैंडस्लाइड सोमवार देर रात मुंडक्कई, चुवनमाला, अट्टामाला और नूरपुझा गांव में हुआ था। इसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। प्रभावित इलाकों में आर्मी, एयरफोर्स, एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। देर रात तक 1000 लोगों को मलबे से निकाला भी जा चुका था। रात को रेस्क्यू बंद कर दिया गया था, जो सुबह फिर से शुरू किया गया है। लगातार बारिश की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड दौरा रद्द कर दिया है। वो बुधवार को यहाँ पीड़ितों से मिलने जाने वाले थे। जैसे आपको मालूम है, करीब 2:30 बजे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और कल सवेरे से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। कल थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से इतनी एफिशिएंसी और इतनी स्पीड से हम नहीं कर पाए। आज किस्मत है कि आज थोड़ा अभी तक इतना मौसम खराब नहीं है। अभी हमारे इलाके के अंदर तकरीबन 500-600 के करीब एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट रेंजर्स और लोकल वॉलंटियर्स जो है अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सके, ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाए इस एरिया में, और जो वहां पे जो रबल की खुदाई हो रही है उसमें थोड़ी हमें सहायता मिल जाए। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मैन्युअली हो रही है, गिनती बेलचा और अपने मैन्युअल एफर्ट से हो रही है, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है। आज भी एयरलिफ्ट का है, बट अभी मौसम खुल जाए तो हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे है, लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। कल सुबह तक 150 से ज्यादा फेटल मतलब डेथ्स हो चुकी हैं और 225 के करीब इंडिविजुअल्स को रेस्क्यू किया गया है, बट अभी ऑपरेशन जारी है और देखते हैं अभी आगे कितने क्या सिचुएशन।